रेवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का कार्डियोलॉजी विभाग जो अपने संचालन दिनांक यानी विगत 5 वर्ष से नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, इसी श्रृंखला में एक नए क्रिटिकल प्रोसीजर सीआरटीडी को सफलतापूर्वक कर एक अध्ययनरत चिकित्सा छात्र के पिता का उपचार कर जान बचाई गई है। दरअसल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रेवा का कार्डियोलॉजी विभाग विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड व उसके निकटवर्ती राज्यों व उनके जिलों में हृदय रोग से पीड़ित मरीजों के सफल इलाज का केंद्र बिंदु बनकर उभरा है। हाल फिलहाल चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत चिकित्सा छात्र अपने पिता को लेकर ओपीडी में डॉक्टर एस के त्रिपाठी के पास सांस फूलने और बेहोश होने के लक्षणों के साथ आए थे। बताया गया कि 1 वर्ष पूर्व ही उस मरीज की एंजियोप्लास्टी कराई गई थी। प्रारंभिक जांच इको कार्डियोग्राफी किए जाने से ज्ञात हुआ कि मरीज की हार्ट पंपिंग 20% से भी कम है एवं इस स्थिति में मरीज को सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। बताया गया कि ऐसी बीमारी से ग्रसित मरीज की जीवन रक्षा के लिए एक विशेष प्रकार के जटिल प्रोसीजर द्वारा सीआरटीडी मशीन को मरीज के हृदय में इम्प्लांट करने की आवश्यकता होती है और इस मशीन को लगाए जाने से हृदय की पंपिंग में वृद्धि होती है और सडन कार्डियक अरेस्ट से भी बचाव होता है। यह कार्डियोलॉजी में एक जटिल प्रोसीजर होता है जिसका उपचार सिर्फ बड़े शहरों में किया जाता रहा है, लेकिन अब डॉक्टर एस के त्रिपाठी निश्चेतना विभाग और उनकी टीम के अथक प्रयासों के कारण यह प्रोसीजर सफलतापूर्वक संपादित किया गया, जिसके बाद अब मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर एस के त्रिपाठी ने बताया कि ठंड बढ़ने से विंध्य प्रदेश में हृदय रोग से पीड़ित मरीज बहुतायत में है एवं उन्हें सही उपचार निर्धारित समय में न मिलने के कारण असामयिक मृत्यु भी हो जाती है। डॉक्टर त्रिपाठी का मरीजों से आग्रह है कि ऐसे मरीज समय समय पर चिकित्सकीय परामर्श ले, इंटरनेट में उपलब्ध भ्रामक खबरों से भी सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल इस उपलब्धि को अर्जित करने के लिए डॉक्टर एस के त्रिपाठी द्वारा डॉक्टर सुनील अग्रवाल अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय व डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव अधीक्षक सुपर स्पेशलिटी द्वारा दिए गए सहयोग व मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया है।